बड़ी गर्मी पवाती जे यार जनाब अल्लाह ताला दी मेहरबानी के इन्हां दिनां च गर्मी हमेशा पैंदी पैंदी रही है। चौधरी साहब अग्गे नाल कोई ज्यादा ही पै रही थी, दसो कि कोई बारिश वगैरह है या कोई मौसम अच्छा होने दे चांस है ने? जनाब मैं की तुहानू दसना है, मौसमियत ने कहा है कि बारिश बुरश का कोई इम्कान नहीं, लेकिन गर्मी जिहड़ी है ना थोड़ी ज्यादा चलेगी। लू तो बचाना चाहिए, अपने आप भी बचना चाहिए, लू भी बड़ी पै रही है। लू तो बचने वास्ते सिर ते कपड़ा रखो, डंगरां शंगरां नूं भी बचाइए चौधरी साहब। हां जी, डंगरां नूं पानी पिलाओ, छावें बन्नो, पानी दी कोई कमी है बहुत जिहड़ा गर्मी दी वजह ते जिहड़ा। हां जी, कमी ते फिर तुहानूं पता है जदों धुप लगदी ते पानी बुखारा ते बन के उड़ जांदा। सही है, सही। जनाब अंबिया वास्ते भी जिहड़ा मौसम खुशक है ना, ये भी थोड़ा जिहा खतरनाक ही है। अच्छा, इहनूं संभालण वास्ते ना अपने बागात नूं तुसीं शाम नूं बाग नूं पानी दिओ, ताकि पानी की जिहड़ी कमी है ना बागात नूं ना होण दिओ। पानी बड़ा जरूरी बागात, बिलकुल इस तरह ही है, पानी तो बहुत जरूरी, हर चीज नूं पानी बड़ा जरूरी है, क्योंकि गर्मी बड़ी पै रही, गर्मी तो वाकई बहुत पै रही ते जे पैणी है। अच्छा, जेकर और ज्यादा पैणी? हां जी, अज नाल कल ज्यादा गर्मी पैणी। ते चौधरी साहब मैं अपना इहदी चावलां दी काश्त वास्ते अपनी फसल तैयार कर लई आ, ते उहदे च हुण पनीरी बीजणी है, ते मैनूं दसो वी हुण कोई बारिश दा सीजन, बारिश पेगी या नहीं पेगी? चावलां वास्ते फसल तैयार नहीं की, चावलां पनीरी जिहड़ी है ना पनीरी काश्त करो, ठीक है। अच्छा, पनीरी काश्त करके ना उत्ते घास फूस फैला देना, ताकि और पानी देना, और पनीरी नूं काश्त करो, और धुप तो भी बची रहे। बिलकुल, जनाब हुण तुहानू पता है गर्मी ते वैसे भी कीड़े मकौड़े मर जांदे, ताड़ी सब्जी नूं पता नहीं सुंडी क्यों पै गई, लेकिन चलो अगर कोई नेशा सुंडी पई है नजर आया है तो उन्हें स्प्रे करो, स्प्रे कर दीजिए, स्प्रे करो, और पानी जरूर सब्जियां लाओ, पानी जरूर लाओ, और जेड़ा है ना अपना टिंडा वगैरह करेला और कद्दू इन ते पानी दी इन्नी जरूरत नहीं आंदी, इस तरह ही है, इन थोड़ा पानी लाओ, बाकी जिहड़ी सब्जियां तस के पानी लाओ, और पानी लाना शाम। दुपहरे जिहड़ा है ना पानी भी सड़ जांदा, धुप नाल गर्म हो जांदा, गर्म हो जांदा है, जदों गर्म पानी हुंदा है ना ते गर्मी जदों पौधे नूं मिलदी है तो एक गर्मी थल्ले पानी गर्म, ते ओह फिर पौधे सड़ने नहीं होते। ते चल सब की बेहतरीन हल है, किस टाइम बेहतरीन हल है आ कि इहनूं सब्जियां नूं अपने शाम नूं पानी लाओ, शाम दे टाइम ते ना गर्मी दी शिद्दत घट हुंदी है, ते पानी हमेशा सवेरे पानी लाओगे तो पानी भी गर्म ते दोनों गर्म। चौधरी साहब कई दफा वेख्या वा असीं पानी भी लाने आ, पानी भी उहदे खलोता हुंदा, लेकिन ओह फिर भी सड़ जांदी है, सीगा पता नहीं की चक्कर, ओह करे ही चक्कर है ये कि पानी भी गर्म हो जांदा। हां बिल्कुल, बिल्कुल इस तरह दी गल बजा। अच्छा, ते चौधरी साहब जानवरां वगैरह दे बारे कोई मशवरा दिओ, गर्मी ते वाकई बहुत पै रही। मेरी गल सुन, गर्मी तो पैनी पैनी, लेकिन बच्चियां नूं भी बाहर कढो ते टोपी लवो, ते सफर है ना इहदे तों थोड़ा ग्रेज करो, ग्रेज करना चाहिए, या सुबह सुबह सफर करो या शाम तो बाद सफर करो, इस तरह धुप तो बचना है, धुप तो बचना है, आ भी बचो और बच्चियां नूं भी बचाओ, सिर ते दुपट्टा दुपट्टा लैन और बच्चे टोपी दो, और आ भी कपड़ा रखो, ते दूसरा जो मवेशी है उन्होंने बार बार पानी पिलाओ, छावें बड़ा जरूरी है। अगर तुम मवेशियों दोपहर रहन दिता तो उन्होंने भी जो है ना
गर्मी लगन का अंदेशा है। अच्छा चौधरी साहब यह दूसरा गर्मी तो पै ही रही, दुकान की वगैरह चलने का भी कोई चांस नहीं? नहीं गर्मी पूरे एरिए च पै रही है। अच्छा, अगर थोड़े इलाके च गर्मी पवे ना तो फिर अनेरी वगैरह आने का मनसूबा अल्लाह तला बना दिता हो जाता है, हो जाता है। लेकिन इस टाइम जरा ना पूरे पंजाब च गर्मी शिद्दत नाल पै रही है, लेकिन अनेरी नूरी आने का कोई चांस इन्ना अहम नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत हवा चल सकती। चौधरी साहब।